नमस्कार, आप देख रहे हैं AIN न्यूज। बीमार रहने के बावजूद एक्टिव है लालू प्रसाद। पटना में गाड़ी चलाते दिखे राजद सुप्रीमो। कहा सभी लोग किसी न किसी रूप में है ड्राइवर। लालू प्रसाद आजकल पटना में है। वो चारा घोटाला मामले में पेश होने के लिए दिल्ली से पटना आए हैं। लालू प्रसाद पिछले कुछ सालों से बीमार चल रहे हैं। उन्हें किडनी संबंधित गंभीर बीमारी है। इसके बावजूद वो काफी एक्टिव दिख रहे हैं। मंगलवार को CBI की विशेष अदालत में हाजिर होने के बाद वो सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल के जूनियर विंग मेरी वार्ड किंडरगार्टन पहुंचे थे। यहां वो अपनी मुंह बोली सेंट जोसेफ कॉन्वेंट की पूर्व प्राचार्य सिस्टर हेरीगार्ड से मिलने गए थे। तो वहीं बुधवार को वो अपनी पहली गाड़ी चलाते नजर आए। लालू प्रसाद ने गाड़ी चलाने के बाद ट्वीट कर अपने गाड़ी चलाने का वीडियो शेयर किया और लिखा, आज वर्षों बाद अपनी प्रथम गाड़ी को चलाया। इस संसार में जन्मे सभी लोग किसी न किसी रूप में ड्राइवर ही होते हैं। प्रेम, सद्भाव, सहर्द, समता, समृद्धि, शांति, सब्र, न्याय और खुशहाली रूपी गाड़ी सबको साथ लेकर सदा मजे से चलती है। इसके साथ ही लालू प्रसाद आज राजद कार्यालय में 6 टन के लालटेन का इनॉग्रेशन करेंगे। लालू प्रसाद 4 साल बाद पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत के लिए पार्टी कार्यालय को शानदार तरीके से सजाया गया है। लालू प्रसाद के उद्घाटन कार्यक्रम में तेजस्वी यादव समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद होंगे। वहीं तेज प्रताप के पहुंचने पर और वहां उनके बोलने पर भी सबकी नजर होगी। लालू प्रसाद ट्विटर पर और मीडिया में भी पॉलिटिकल एक्टिव है। इस वक्त की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लालू प्रसाद यादव ने गाड़ी चलाते हुए सोशल मीडिया पर अपने खुद के ट्विटर हैंडल पर अपना वीडियो शेयर किया है और लालू प्रसाद यादव के फैन उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं इस अंदाज में और शेयर भी कर रहे हैं। इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं लालू प्रसाद यादव। काफी समय से वो एक्टिव नहीं थे सोशल मीडिया पर, लेकिन अब सामने आने के बाद उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया है जो लोग काफी पसंद कर रहे हैं। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए AIN न्यूज।